नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं आज आपको बताने जा रही हूँ सिंपल टिंडे। सिंपल टिंडे जिनको बच्चे सभी लोग, डायबिटीज के मरीज सभी लोग खा सकते हैं और ये बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। तो इसके लिए हमने टिंडे को साफ करके इस तरह के पीसेस में काट के रखा हुआ है। और इसके लिए हमने थोड़ी सी प्याज काट ली है, हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक और लहसुन बारीक कटा हुआ, गरम मसाला 1/4 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और हींग और जीरा, क्रश किया हुआ सौंफ और धनिया पाउडर और नमक स्वाद अनुसार, और टमाटर काट के रखा हुआ है। अगर आपको टमाटर नहीं डालना तो इसकी जगह पे आप अमचूर का भी उपयोग कर सकते हैं। और यहाँ हमने कढ़ाई में तेल गर्म करके रखा हुआ है जिसका टेम्परेचर सब्जी बनाने के लिए। अब सबसे पहले हम इसमें हींग और जीरा डालेंगे। ये हमारा ब्राउन हो रहा है। अब इसके बाद हम इसमें सौंफ डालेंगे। सौंफ भी हमारा ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें लहसुन और अदरक डालेंगे। उसके बाद ग्रीन चिली बारीक कटी इसको थोड़ा सा चलाएंगे। कटा हुआ प्याज इसको हल्का ब्राउन होने तक चलाएंगे। ये हमारी प्याज हल्की ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें सारे मसाले डालेंगे। सबसे पहले धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और मिर्ची पाउडर। अब इसको हम हल्का सा चलाएंगे और इसमें हम टिंडे डाल देंगे, हमने पहले से ही काट के रखे हुए थे, और इनको 1 मिनट तक चलाएंगे। और इसके बाद हम इसमें नमक डाल के इसको 5 मिनट के लिए ढक के रखेंगे स्लो गैस पे। इसको 5 मिनट रखे हुए हो चुके हैं। देखिए हमारी सब्जी तैयार है। अब हम इसमें बारीक कटे हुए टमाटर थोड़े से डालेंगे और 1 मिनट के लिए चलाएंगे। और इसमें हम जलजीरा डालेंगे हल्का सा। देखिए इसका स्वाद कितना बेमसाला आएगा। और हल्का सा गरम मसाला 1/4 चम्मच। ये सबको डाल के हमारे टिंडे तैयार हैं। अब हम इसको गर्मा गर्म ये हमारी टिंडे की गर्मा गर्म सब्जी तैयार है। चटपटी, खुद भी खाएं और दोस्तों को भी खिलाएं। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।